हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे द वर्ल्ट डिज्नी कंपनी के इन्वेस्टर डे 2020 के सारे अपडेट्स के बारे में। मार्वल स्टूडियो के इस इवेंट में काफी सारे प्रोजेक्ट रिलीज करे गए जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। 2020 में तो कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा रिलीज नहीं करा गया, फिर भी मैं मार्वल स्टूडियो के 2021 से प्रोजेक्ट बताऊंगा जो कि आने वाले हैं फ्यूचर में। तो रिलीजिंग डेट, पोस्टर, फर्स्ट लुक सबके बारे में बात करूंगा। तो इसमें सबसे पहले आता है वांडर विजन, जिसका फर्स्ट पोस्टर रिलीज कर दिया गया और ये रिलीज होगी 15 जनवरी को, जिसके सीजन 1 में आपको 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसका सेकंड ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। उसके बाद आती है फैल्कन द विंटर सोल्जर, इसका फर्स्ट पोस्टर, फर्स्ट ट्रेलर और सीजन 1 में 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये रिलीज होगी 19 मार्च को। जी हाँ, और देन उसी के साथ अगली मूवी आती है ब्लैक विडो, जो कि 7 मई 2021 को रिलीज होगी, जो कि आपको फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद देखने को मिलेगी। तो उसका कोई खास अपडेट नहीं था, पर टाइमलाइन के अनुसार मैंने इसे इंक्लूडिंग करा। उसके साथ आपको मिड में देखने को मिलेगी लोकी टीवी सीरीज, इसका फर्स्ट पोस्टर तो रिलीज करा नहीं गया पर ट्रेलर रिलीज करा गया जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल करा। देन उसके साथ अगली मूवी आती है शैंगची लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स, इसकी रिलीजिंग डेट कंफर्म हो चुकी है जो कि 9 जुलाई 2021 को देखने को मिलेगी आपको। आप पॉज करके इसकी कास्टिंग भी देख सकते हो। उसके साथ आपको मिड में देखने को मिलेगी व्हाट इफ, जो कि 2 सीजन आएंगे इसके, पहले सीजन में 10 एपिसोड और दूसरे सीजन में भी 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे और अल्टरनेट कैरेक्टर देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद आपको देखने को मिली मिस मार्वल, जो कि कैप्टन मार्वल से डायरेक्ट कनेक्ट होगी, यानी कि उसके सेकंड पार्ट से, और उसका भी ट्रेलर लॉन्च करा गया जो कि बहुत ही कमाल का है। और उसी के साथ रिलीज होगी हॉकआई 2021 में, और देन इसकी रिलीजिंग डेट अभी तक कंफर्म नहीं है, जैसी कोई कंफर्मेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। उसी के साथ अगली मूवी है जो कि है दी इंटरनल्स। तो इंटरनल्स के बारे में क्या बताऊंगा आपको, ये बहुत बड़ी लेवल की मूवी है और मार्वल ने अभी तक इसका कोई भी राज रिवील नहीं करा है, पर ये रिलीज होगी 5 नवंबर 2021 को। उसके साथ 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी अनटाइटल स्पाइडरमैन 3। जी हाँ, कोई भी टाइटल अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। और देन अपडेट अभी तक ये आया कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से डायरेक्ट कनेक्ट होगी। और तो और रूमर ये भी आ रहे हैं कि आपने नेटफ्लिक्स की डेडेविल टीवी सीरीज देखी होगी, इसमें जो डेडेविल का कैरेक्टर था वो भी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये मल्टीवर्स की सबसे बड़ी मूवी हो सकती है, स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज़्यादा बड़ी। तो देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर। पर अब बात करते हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि है 2022 के मार्वल के टीवी एंड मूवीज। तो स्पाइडरमैन के बाद आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगी मार्च के महीने में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 25 तारीख को। जी हाँ, इसमें आपको मल्टीवर्स देखने को मिलेगा पूरा, और देन ये सबसे पहली मूवी है। शायद कोई टीवी सीरीज भी रिलीज हो सकती है, पर अभी तक फिलहाल यही अपडेट है कि डॉक्टर स्ट्रेंज आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले। इसमें आपको अमेरिका का कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा जो कि फीमेल कैरेक्टर है, और देन इसका कास्टिंग क्या है अभी तो कुछ भी ऐसा कन्फर्म नहीं है। इसके साथ आपको ऑफिशियली लाइव एक्शन देखने को मिलेगी गार्डन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल, जो कि जेम्स गन इसे ऑफिशियली डायरेक्ट कर रहे हैं और इसकी स्क्रिप्ट भी यही लिख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ अगली आपको मिड में टीवी सीरीज देखने को मिलेगी शी-हल्क, जिसमें कि इनक्रेडिबल हल्क के विलेन भी रिटर्न हो रहे हैं, और तो और इसमें मार्क रेफेलो एज अ हल्क के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। उसके साथ अगली मूवी जो रिलीज होगी थॉर, जो कि 6 तारीख को रिलीज होगी 2022 में, यानी कि 6 मई को, और देन इसमें आपको डार्क नाइट कैरेक्टर की जो बैटमैन कैरेक्टर प्ले करते हैं क्रिस्टेन, वो आपको देखने को मिलेंगे और उनका कैरेक्टर भी कंफर्म हो चुका है। वो ग्रॉ का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं जो कि बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है, और देन इसकी डिटेल तो ज़्यादा मुझे पता नहीं है, फिर भी गाइस मज़ा आने वाला है। अब बात करते हैं ब्लैक पैंथर 2, जो कि आपको थॉर के बाद देखने को मिलेगी। इसकी रिलीजिंग डेट है 8 जुलाई और ब्लैक पैंथर 2 से रिलेटेड एक ही अपडेट आया है कि केविन फाइगी ने कंफर्म कर दिया कि वो चैडविक बॉक्समैन को दोबारा रिकास्ट नहीं करेंगे और कोई भी सीजीआई यूज नहीं करेंगे, यानी कि दोबारा से कोई नया कैरेक्टर लिया जाएगा ब्लैक पैंथर के लिए। और अगला अपडेट है कैप्टन मार्वल 2 से रिलेटिव। तो कैप्टन मार्वल में मिस मार्वल और मोनिका रेवेका दोनों कंफर्म हो चुकी हैं, और ब्री लैंसन कैप्टन मार्वल एज अ रोल में तो है ही है, और देन डायरेक्टर ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है। उसी के साथ एंड विन द वास, जो कि एकदम धमाकेदार मूवी है, क्वांटम के नाम से इसका टाइटल रखा गया है, और तो और इसमें आपको कैसी लैंग का नया यंग वर्जन देखने को मिलेगा जो कि आज ही के दिन कंफर्म हुआ है और एकदम ऑफिशियली कंफर्मेशन है। तो गाइस, ये हैं वो काफी सारे कमाल के अपडेट्स। तो इन सब अपडेट को जानने के बाद मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था ही। अब बात करते हैं साल 2023 के अपडेट्स के बारे में, जो कि काफी लोगों का पूछना था कि 2023 में कौन सी मूवी रिलीज होगी। तो सबसे पहले जो 2023 में मूवी रिलीज होगी वो होगी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। ये 2023 में ऑफिशियली कंफर्म है, पर रिलीजिंग डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। चलिए अब बात करते हैं उन टीवी सीरीज के बारे में जिनकी डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, पर वो डिज्नी प्लस पर डायरेक्ट रिलीज होंगी। जी हाँ, जिसमें कि आप नाम सुनोगे तो हैरान होने वाले हो। तो सबसे पहले आ रही है धमाकेदार टीवी सीरीज सीक्रेट इन्वेंशन, जिसमें कि निक फ्यूरी और कह सकते हो उनका कैरेक्टर आएगा सैमुअल जैक्सन वाला, और टेलस जो कि स्कल्स बना था, तो ठीक है आपको ये देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आर्मर वॉर्स, इसमें आपको जेम्स रोडी का कैरेक्टर देखने को मिलेगा वॉर मशीन वाला आयरन मैन 2 का, और ये आयरन मैन 2 के बाद कंटिन्यू स्टोरी होगी। जी हाँ,
तो सबको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले ही, काफ़ी लोगों का पूछना होगा कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद की स्टोरी दिखाई जाएगी, तो नहीं, ये आपको वॉर मशीन की स्टोरी दिखाई जाएगी आयरन मैन 2 के बाद, कि जब उसके पास आर्मर पहुंच जाता है। फिर उसके बाद आपको आयरन हार्ट देखने को मिलेगी, जो कि वॉर मशीन के बाद कंटिन्यूस टीवी सीरीज होगी। जी हाँ, अब ये कैसे है ये तो ऐसा कुछ पता नहीं है, पर कुछ सूत्रों के माफिक पता चला है। आपको मार्वल स्टूडियो की आई एम ग्रूट एनिमेशन टीवी सीरीज देखने को मिलेगी और ये आधारित होगी बेबी ग्रूट पर। जी हाँ, एक स्मॉल टीवी सीरीज होगी या स्मॉल शॉर्ट फिल्म भी हो सकती है, पर ये एक एनिमेशन होगी और देखते हैं क्या होता है। पर जो भी होगा कमाल का होने वाला है, क्योंकि बेबी ग्रूट पे बन रही है तो शायद कुछ तो डिफरेंट होगा ही। और तो और सबसे फाइनल अपडेट है इस वीडियो का कि फैंटास्टिक फोर ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं स्पाइडरमैन 3 के डायरेक्टर जॉन। जी हाँ, जो कि स्पाइडरमैन 3 में अभी व्यस्त है, पर साल 2023 में वो फैंटास्टिक फोर को डायरेक्ट करेंगे और ये एक फैमिली पिक्चर होने वाली है। तो गाइस, ये थे वो इन्वेस्टर डे 2020 के काफी सारे कमाल के अपडेट। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो, पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर कैप्टन अमेरिका के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।